Hey everyone, welcome back to my channel, welcome back to another exciting video. I hope आप लोग सब अच्छे हो and मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ. तो चलो guys, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, client का hair बहुत ही ज़्यादा dry, dull, damaged था and client को करवाना था एक hair spa. तो definitely client को मैंने और भी better hair spa भी suggest किया था जो उनके बालों के लिए ज़रूरत था, लेकिन client को budget friendly थोड़ा spa चाहिए था, तो मैंने रागा professional का ये spa उनके लिए सजेस्ट किया. तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हो, शैम्पू हम लोग करते हैं बिफोर अप्लाइंग द स्पा क्रीम. तो यहाँ पे मैं शैम्पू के लिए रागा प्रोफेशनल का ही एंटी डैंड्रफ शैम्पू को यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज क्लाइंट का बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ भी था स्कैल्प पे. तो उसी को यूज़ करते हुए स्पा करने से पहले क्लाइंट का जो शैम्पू प्रोसेस है उसको अच्छे से मसाज करते हुए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्लाइंट बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही है. तो आप लोग को ये ध्यान देना है, पार्लर का सर्विस में आप लोग को एवरी प्रोसेस को ना बहुत ही अच्छे से टाइम देते हुए करना है, ताकि क्लाइंट को ऐसा बिल्कुल फील ना हो कि आप बहुत हड़बड़ी में काम कर रहे हो. मसाज शुड बी वेरी रिलैक्सिंग एंड डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, शैम्पू से ही क्लाइंट को बहुत ही अच्छा फील होने लगा है. तो गाइस, यहाँ पे मेरा शैम्पू प्रोसेस ख़त्म हो चुका है एंड अभी जस्ट मैं टॉवल ड्राई करके क्लाइंट को स्टेप बाय स्टेप सारे स्पा का क्रीम को लगाने वाली हूँ. यहाँ पे आप लोग देखो, रागा का हेयर स्पा मैं यूज़ कर रही हूँ एंड हेयर स्पा के साथ हम थोड़ा सा एक हेयर फॉलिकल के लिए कैप्सूल यूज़ करेंगे. ये कैप्सूल मैं ऑनलाइन परचेस की हूँ, आप लोग भी इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हो विथ स्पा क्रीम फॉर एक्स्ट्रा नरिशमेंट एंड डेफिनेटली फॉर एक्स्ट्रा शाइन. एंड ये डैमेज हेयर को भी इंस्टेंट रिपेयर करता है. तो इस जो प्रोडक्ट का जो कैप्सूल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, उसका लिंक डेफिनेटली इफ आई विल गेट आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप लोग चेक कर सकते हो. तो इससे क्या होता है ना गाइस, इससे स्पा नरिशमेंट हेयर का जो साइन है वो दुगनी आप लोगों को मिलती है एंड आप बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा कि स्पा कितना ज़्यादा हेयर पे इफेक्टिव रहा है. एंड इससे आप एक चीज़ भी नोटिस कर सकते हो, स्पा का जो क्रीम है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो एप्लीकेशन में क्या होता है ना, हमें थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं एंड ये कैप्सूल यूज़ करने के बाद वो क्रीम थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्चर पे चला जाता है एंड उसके लिए बहुत ही आसान होता है पूरे बालों पे इसको अप्लाई करना. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं एक दो स्टेप को मैं स्किप कर चुकी थी. एक्चुअली आप लोगों को जैसे कि पता है, आई थिंक यू गाइज नो दैट आफ्टर अप्लाइंग द स्पा क्रीम यू जस्ट नीड टू गिव अ नाइस हेड मसाज एंड डेफिनेटली 5 मिनट स्टीम, उसके बाद आप हेयर वॉश कर लो. गाइज यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो चुका है एंड डेफिनेटली गाइज आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है, आप लोग मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट एंड शॉर्ट वीडियोज. वहाँ पर बहुत सारे रील्स जाते हैं एंड देर इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन में. दोनों के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, यू गाइज कैन चेक आउट देयर. आप लोग देखो बिफोर एंड आफ्टर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. अगर ये आप लोग को छोटा सा वीडियो अच्छा लगा स्पा के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बाय बाय.